नमस्कार दोस्तों, आज है 29 मार्च और कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था। कल मैं सोच रही थी कि कई दिनों के बाद मैंने कल वीडियो बनाया था, तो मैं उस मतलब वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता दूं क्या था कि गार्डनिंग बिल्कुल छूटी हुई थी, करीब एक हफ़्ता हो गया था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि किधर से शुरू किया जाए, क्या करा जाए। एक हफ़्ता भी बिल्कुल अगर छोड़ दो ना, कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ पानी वानी डाला था, तो क्या किधर से क्या शुरू करूं। तो मैंने पता है क्या किया, सबसे पहले कल का बताऊं, मैंने करीब मुझे 3 घंटे से ज़्यादा, 4 घंटे के आसपास मुझे लगे, और मैंने छत की मतलब दो साइड की छत का मतलब समझिए 70% जो है टेरेस का वो सफाई करी पहले। तो ये सब जो आप ये वाले प्लांट देख रहे हैं ना, ये वाला गुड़हल है और ये मोगरा वगैरह सब दूसरी साइड में छत के रखा था, तो मैंने इनको ये देखिए पहले कलियाँ देखी कितनी खिल गई। और ये सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ कि ये अभी बस फरवरी में ही जो काम इसमें किया था, ये वाइट वाला मेरा हिबिस्कस है, आप देखो। इन सब के लिंक वीडियो के हैं मेरे चैनल पे, वीडियो सब शेयर किया हुआ है, खाद डाला था, प्रूनिंग किया था, ये देखो। और जो लोग भी पूछ रहे हैं ना कि अभी तक उसमें वो नहीं आई है कली अली, सब आ जाएगी, बिल्कुल परेशान ना होइए, धूप में रखिए। और अभी थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र बहुत स्ट्रांग मत दीजिएगा, अब जैसे इतनी कलियाँ देखो आई हुई हैं ना, तो अब इस समय नहीं देना है कोई खाद, अभी थोड़ा अच्छे से ये खिल जाए। सब बहुत बढ़िया से आ गया है, ये देखिए आज तो पहला वाला वो बिल्कुल ये वाला फर्स्ट आज मेरा हिबिस्कस खिला है, और कलियाँ भी देखिए खूब आ गई हैं। तो फिलहाल ये सब क्या किया है, बहुत सारे प्लांट्स की मैंने शिफ्टिंग करी कल, 4 घंटे लग गए थे। अब ना बहुत से लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि क्या अकेले गार्डनिंग करने में इतने ही घंटे हमेशा लगते हैं, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या होता है कि साल भर में करीब तीन से तीन बार या चार बार थोड़ा हमको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो देना पड़ता है अपने मतलब गार्डन में, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क इसलिए कि जैसे जब मौसम चेंज होता है ना, तो हमें कुछ नया लगाना होता है। जैसे अब ये देखो सनफ्लावर क्या बढ़िया, कितना हेल्दी ये प्लांट निकल रहा है, और वो भी गार्डन के वेस्ट में है, ये गार्डन के वेस्ट में। तो मैंने इसीलिए अकेले करती हूँ ना, तो इस वजह से मैंने अब ग्रो बैग को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया है। और जो गमले वमले भी ले रही हूँ वो भी अब समझ के लेती हूँ थोड़ा, जैसे जब आप गार्डनिंग करते हो ना तो एक्सपीरियंस होता रहता है क्या चीज़ कितने साल चलती है। ये देखो भाई, ये कोई मैं ग्रो बैक का वो नहीं कर रही हूँ, क्या होता है वो प्रमोशन, क्योंकि ये तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ, तो ये भी नहीं कुछ बता रही हूँ कि ये कोई मतलब कोई कंपनी का है या कितने, ये सब कुछ नहीं, यहाँ मैं कोई बेचती बेचती नहीं हूँ, ये सब तो वो लोग करते हैं जो सेल करते हैं जो लोग, है ना। तो पता है क्या किया, ये मेरा वो गार्लिक वाइन है, इसमें ढेर सारे वो समर पिटूनिया निकले थे, सब मैंने उखाड़ा, इतना मतलब बकवास हो गया था वो कि समझिए कि मेरे इस प्लांट की ग्रोथ एकदम रुक पड़ी थी। अब जैसे मैंने उखाड़ा है ना, तो अब देखो इसमें इसकी ग्रोथ भी होने लगी, और इसमें अब कली बहुत जल्दी से आएगी। तो सफाई करी है, खूब सफाई की, डीप क्लीनिंग मतलब की है, लेकिन अभी पूरे छत की तो नहीं हुई है, काफ़ी हद तक हो गई है छत कम्प्लीट। ये देखिए इसको चंपा है, अब चंपा में पत्तियां तो ये आ ही रही हैं, और ये कटिंग ही लगाई थी, और ये देखिए फूल इसमें कलियां आने लगी। तो ऐसे तो खैर हो जाता है अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मतलब साल भर में 3 बार 4 बार दे दीजिए अपने गार्डन को, और बाकी रूटीन वर्क में थोड़ा थोड़ा जैसे पानी डालना है वो तो देना ही है पानी इस, और ऐसा सेटिंग करिए अपने गार्डन की कि बहुत ज़्यादा मिट्टी सूखे नहीं। भाई देखो पानी की भी थोड़ा देखना पड़ता है कि भाई मार सुबह शाम पानी दे रहे हैं, नहीं इतना मैं नहीं देती हूँ मैं आपको सच बताऊँ तो। ये देखिए चिया सीड मैंने इसमें बोया था, चिया सीड जो होता है ना, तो ये बस अब इसमें ड्राई हो गया, ये गमला मुझे खाली करना है, और सब ये सारे जितने हैं सबकी मैंने थोड़ा जगह चेंज की, क्योंकि छत पे ना मेरे लिए वो लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ग्रीन नेट। और ये और भी मेरे जितने भी गुड़हल हैं, काफ़ी गुड़हल हैं, और सब में ये देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, सब में कली आ गई है, इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया, इस बार आ गई इसमें कली। तो
नहीं किया, मतलब अब देखती हूँ फरवरी वरवरी में करूँ, क्योंकि ये देखो ना हर श्रृंगार भी किया था, ये चमेली भी किया था, और अभी ये क्या होता है ये, अरे भाई करी पत्ता। तो अभी बहुत से काम बाकी हैं, पता है इसमें क्या है, इस बार हल्दी नीचे है, अब उसको मुझे वो थोड़ा मई वई में लगाऊंगी। अभी तो अभी और भी काम, बालकनी के भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो जिनको ज़रूरत थी जिनकी जगह चेंज करने की, जैसे जितने गुलाब थे मैंने सब कल बालकनी में पहुंचा दिए, और उसके बाद ये नींबू है, और उसके बाद अभी अडेनियम को तो फ़िलहाल यहीं फुल सनलाइट में रख रही हूँ एकदम ही, बाद में क्या करूँगी ना थोड़ा, क्योंकि काम एकदम से सारा कुछ नहीं होता है, हमें प्रायोरिटी पे देखना पड़ता है कि कौन सा अभी वाली धूप झेल लेगा और कौन सा मतलब चल जाएगा। जिस ये अब अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आराम से ये सब अप्रैल में यहाँ पे रहेगा, तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा अभी ये स्टैंड देखना है कि किधर सेट करूँ। अभी जैसे मुझे ना जेड प्लांट पे वर्क करना है, जेड प्लांट पे, तो इसको रिपोर्ट करना है, बाद में करूँगी, मतलब ये हो सकता है अप्रैल में, इसकी कोई इतनी जल्दी नहीं है। और चंपा अम्पा मैंने सब धूप में ही रख दिया, और अभी कुछ कुछ क्या बहुत सारे मुझे नए प्लांट लगाने हैं जो कि मैंने ख़रीद के रखे हुए हैं, ये देखो ये भी सनफ्लावर है, तो जेड पे भी बहुत सा काम करना है। और इधर क्या किया है, इस साइड में मैंने अभी जैसे देखो ये वाला सूख रहा है ना, मतलब सुखा ही रही है, सूख क्या रहा है इसको, ये जो पतली पतली इसमें से डंडी होगी ना, इसको रख दूँगी उसमें गार्डन वेस्ट में। अच्छा दिखाती हूँ आपको एक सेकेंड, देखिए जैसे ये वाला है, कल मैंने बैगन के और एक बैगन का एक टमाटर का गमला खाली किया, छत की सफाई करी, ये गमला खाली किया, ये दो गमले खाली हुए, मेरे पास एक ग्रो बैग खाली था, तो जितना मिट्टी और ये छत, इसमें किचन वेस्ट कुछ नहीं है ठीक है, तो जितना मतलब वो था निकले दो गमले की मिट्टी विट्टी वो सब निकली, और पत्तियाँ वत्तियाँ सब सूखी निकली, और उसके अलावा थोड़ा सा किचन वेस्ट वो मैंने नीचे डाल दिया। अब ये देखो ये, और आज ही मैंने मतलब इस पर थोड़ा पानी डाल दिया जिससे ये दब जाए, और मिट्टी जो वो वाली थी दो गमले की वो इसमें, कूड़ा कचरा सब यही सब है, क्योंकि ये टिकोमा का, ये टिकोमा भी ऐसे इसी में ही लगा, तो अभी थोड़ा रुकूंगी फिर इसमें कुछ लगाऊंगी, अभी थोड़ा मतलब एक महीना तो रुक जाती हूँ, गर्मी वैसे ही बहुत तेज़ है, यहीं रखा हुआ खाद वाद सब बन जाएगी बढ़िया। तो ये भी देखिए, ये भी गार्डन वेस्ट में ही सब लगा हुआ है, ये कितनी बढ़िया कितनी हेल्दी शिमला मिर्च है ये देखिए। तो इसी तरीके से अब जैसे अभी तो इसको तो नहीं करना है खाली, ये ऐसे ही इसमें भी भरा हुआ है, तो ये सारा कुछ फेंकना, कुछ कुछ नहीं फेंकती हूँ, बहुत कम थोड़ी सी चीज़ मेरी निकलती है जो कि मैं मतलब वो मेरी कूड़ा वाला ले जाता है, बाकी बोरी वोरी फालतू होती है सब भर देते, पर बोरी की बोरी इतनी जल्दी गलने लगती है ना, इसलिए मैंने अब ग्रो बैग लेना शुरू किया है। इस बार तो मैंने ये पर्सनल लगाया नहीं, सब पिछले ही साल का है, तो फिलहाल मैंने इन सब प्लांट को ऐसी जगह यहाँ छत पे रख दिया है जहाँ पे ऐसे ही 11-12 एक बजे तक की धूप आएगी, आफ्टरनून वाली जो धूप है वो इधर से चली जाएगी, तो मैं मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ ग्रीन नेट लगाऊंगी, अभी तक तो फिलहाल यही सोचा है, आगे की देखते हैं। ये देखिए पर्पल वाला मेरा हिबिस्कस, इसमें एक भी पत्ती नहीं बची थी, एक भी पता, एक वो भी नहीं थी कि जिसको क्या बोलें, समझ में ही नहीं आ सकता था कि ये सब नई पत्तियां हैं, और सारा ये कली भी देखिए थोड़ा टाइम से ये खिलती है। अभी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो मैंने नए खरीदे थे और भी हैं, तो वो इंडोर वाला तो खैर इंडोर ही रखा है, अंदर है मतलब धूप में नहीं है, इनको अभी यहाँ रख दिया है कि जैसे पानी डालती हूँ ना, तो पानी भाई यहाँ पे ड्रेनेज है मेरे छत का, तो इधर थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है, तो नीचे से भी थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, लगाना है फिलहाल इसको, और भी प्लांट्स को रिपोर्ट करना है तो करूँगी। चलिए आपको थोड़ा सा वो बालकनी में भी दिखा देती हूँ, तो अभी देखो यहाँ पर गुलाब गुलाब रख दिया है, और क्रोसेंड्रा देखिए, इसको धूप बहुत तेज़ नहीं चाहिए होती, ज़्यादा धूप में ये ख़राब होने लगता है, देखिए कितनी बढ़िया कलियाँ, इसकी कटिंग लगाई थी उसमें भी फूल आने लगे हैं, ये देखिए, तो ये भी छत से ले आई हूँ, बाकी अभी यहाँ पूरा शिफ्टिंग करनी है, और देखते हैं अभी तो यहाँ बहुत सारा काम बचा है, आराम से करती हूँ, कोई आफत नहीं है, इसीलिए अभी से कर रही हूँ, मतलब मार्च समझिए बस अब ये ख़त्म ही है, अप्रैल शुरू होने वाला है। ये वाला ऑरेंज वाला टिकोमा भी, पिंक वाला बल्कि, ये मैं यहाँ ले आई हूँ, तो बालकनी में भी काफ़ी सारे मुझे चेंजेस करने हैं,
और यहाँ पे तो काफ़ी गंदगी हो रखी है। ये देखिए उसकी वाइट वाला मेरा ये वो है गुलदाउदी है, इसमें फिर से कली आ गई है। तो काफ़ी काम बचा है, आराम आराम से कर रही हूँ, कोई ऐसी जल्दी नहीं रहती है। जब आप अकेले करते हो ना तो आपको अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है, और सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है गार्डनिंग करना, हेल्थ के लिए, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो। इसलिए जो है ना, अगर आपसे हो सके तो थोड़ी ही करिए, खुद करिए, जितना कर सकते हो उतना करिए, कम प्लांट लगाइए लेकिन खुद करिएगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी और से आके करवाना हो सिर्फ पाइप उठा के पानी डालने में क्या मज़ा है, कोई मज़ा नहीं है। चलो ठीक है, जैसे अपनी अपनी जिसकी मतलब जैसी वो हो, पसंद हो करिएगा। अभी देखो ये भी एक ऐसे बहुत टाइम हो गया इसको लाए हुए, ये ऐसे ही उसमें पड़ा हुआ है, यहाँ बहुत अफरा तफरी मची है। अब धीरे धीरे करती हूँ, अभी तो ग्राउंड फ्लोर का नंबर आया ही नहीं है, बालकनी ऊपर का छत से शुरू किया है। सिर्फ इस वजह से क्या कि क्योंकि धूप वहाँ तेज होने लगी, इस वजह से मैंने कहा स्टार्ट उधर से करती हूँ, और बाकी यहाँ सब तो हो ही जाएगा, यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, धूप तो खैर यहाँ भी आती है। चलिए दोस्तों ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से। मैं अब कोशिश करूँगी ना मोगरा पे की इन्फॉर्मेशन पे वीडियो बनाने का। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद।